जगह जगह अनेक प्रमाण हैं जी। ये कोर्ट कहेगा मैं प्रमाण देने को उपस्थित रहूँगा, कम से कम हजारों प्रमाण है, एक दो नहीं। आपने एक बार और प्रमाण दिए थे मेरे ख्याल से, राम जन्मभूमि वाले में भी आपने प्रमाण दिए थे। हाँ मैंने दिए थे, 441 प्रमाण दिए थे। बाबा बागेश्वर के नाम से विख्यात हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इन दिनों लंदन में कथा कर रहे हैं। अपने शिष्य के लंदन जाने पर धीरेन्द्र शास्त्री के गुरु पद्म विभूषण से सम्मानित राम भद्राचार्य इसे देखकर बड़े खुश हो रहे हैं। वो कहते हैं कि धीरेन्द्र जी और आगे बढ़े, ऐसी मेरी इच्छा है। लंदन में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा की धूम मची है और धीरेन्द्र शास्त्री ये कहते हुए दिखे कि कभी हमारे दादाजी अंग्रेजों की सुनते थे, आज हम यहाँ कथा कर रहे हैं और सब सुन रहे हैं। आपके जो शिष्य हैं बाबा बागेश्वर, उनको कहने लगे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो लंदन में डंका बजा रहे हैं, कथा कर रहे हैं, वहाँ लंदन वासी झूम रहे हैं, पूरे यूके वासी झूम रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं, मुझे उन पर प्राउड है, आई एम प्राउड ऑफ धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र कृष्ण की शादी की बात पर उनके गुरु के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इस पर वो कहते हैं कि मैंने उनको विवाह के लिए कहा है, कन्या मिलते ही उनका विवाह कर दिया जाएगा। उनकी शादी की बात, विवाह की बात हो रही है, विवाह कब करवाइएगा? अब देखें, जो आप लोग कोई कन्या ढूंढेंगे तो करवा देंगे। राम भद्राचार्य इन दिनों नोएडा में कथा करने आए हुए हैं। वो चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक भी हैं और रामचरितमानस को आधार बनाकर राम कथा कहते हैं, जो लोगों को बड़ी पसंद आती है। कुछ दिन पहले ही नोएडा में कथा करने धीरेन्द्र शास्त्री भी आए थे। राम भद्राचार्य ज्ञान वापी केस पर टिप्पणी देते हुए कहने लगे कि ASI का सर्वे वहां होना ही चाहिए, वहां शिव ही हैं, इसके साक्ष्य पुराणों में मिलते हैं। मैंने राम जन्मभूमि मामले में भी साक्ष्य दिए थे, सारे साक्ष्य सही निकले, जरूरत पड़ने पर ज्ञान वापी मामले पर भी मैं साक्ष्य दूंगा। मेरी भविष्यवाणी है कि ये केस हिंदू पक्ष जीतेगा। इस समय ज्ञानवापी का मुद्दा बड़ा चल रहा है, उसका सर्वे रुकवाया गया है कुछ दिनों के लिए, पक्ष विपक्ष लगा हुआ है, एक पक्ष कह रहा सर्वे ना हो, उसका सर्वे होगा और हमारे पक्ष में जाएगा। ये भविष्यवाणी समझे आपकी? बिल्कुल भविष्यवाणी समझिए। लेकिन ये ज्ञानवापी पे कैसे होगा? बिल्कुल होगा। अब देखिए, ये साक्ष्य कैसे मिलेंगे, क्योंकि मुद्दा साक्ष्यों का है। साक्ष्य मिलेंगे। अभी पक्ष विपक्ष में आप क्या चाहते हैं, सर्वे हो या फिर ना हो? सर्वे हो, सर्वे होना चाहिए। ASI को सर्वे नहीं भी करने दिया जा रहा है, वो कोर्ट का मामला कोर्ट बताकर अटकाया जा रहा है, वो गलत बात है। सब कुछ ठीक होगा। कैसे होगा? पर अब होगा। अच्छा, वहाँ पर जो नया आकृति मिली है वो क्या वाकई शिवलिंग है? हाँ वाकई शिवलिंग है। वो कहीं प्रमाण वगैरह मिलते हैं इसके? वो पुराणों में भी प्रमाण है, जगह 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 अनेक प्रमाण है जी। ये कोर्ट कहेगा मैं प्रमाण देने को उपस्थित रहूँगा, कम से कम हजारों प्रमाण है, एक दो नहीं। आपने एक बार और प्रमाण दिए थे मेरे ख्याल से, राम जन्मभूमि वाले में भी आपने प्रमाण दिए थे। हाँ मैंने दिए थे, 441 प्रमाण दिए थे और 437 सही निकले थे, और 4 भी निकले थे वो भी केवल धूमिल थे बस। इसी के आगे वो एक और भविष्यवाणी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के बारे में मैं कहता हूँ कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है।